देखिए पाकिस्तानी नस्ल का कुत्ता है वो, आप मेरे पीछे देखेंगे, वो जो आप देखेंगे वो पाकिस्तानी नस्ल का कुत्ता है। ये जैसे ये गार्डिंग करने के लिए ये सब गार्डन में रहता है, सब कुत्ता घर वाला कुत्ता नहीं है? नहीं, साढ़े सात महीने का बच्चा है अभी, ये छोटा है। सही है ये? अच्छा, साढ़े सात महीने का बस है ये जी। ये बहुत लंबा होता है, यानी अगर ये पूरा बड़ा हो जाएगा तो किसी घोड़े जैसा दिखेगा। अभी थोड़ा खामोश है, शांत है, जैसे पाकिस्तान आजकल खामोश है, शांत है, तो अभी ये कुत्ता भी वही रूप अपना है। ब्रीड का एक कुत्ता आपने देखा कभी? अभी सोचा था कि सोनपुर मेले में पाकिस्तानी ब्रीड कुत्ता दिखने को मिलेगा? नहीं देखा। तो आप लोग इसको देखने के लिए आए हैं जी? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है कुत्ता? हाँ, लेकिन बिना खाए वो लग रहा है क्या मरे जा रहा है, बिना कमजोर लग रहा है। बहुत बीमार। वो कितना खिला दीजिए पिला दीजिए ऑफी रहेगा सर। आपको बेचना है इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। वैसा नहीं है कि वो इतना पतला तो नहीं होता। पूछ लीजिए आप। अरे गूगल बाबा से क्या पूछे, लेकिन इतना पतला तो वो नहीं हो सकता है। बिहार के सोनपुर मेले में पाकिस्तान ब्रीड का कुत्ता, यानी पाकिस्तानी पठान, पाकिस्तान का कुत्ता हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सामने, ये सिर्फ अभी कुत्ते का बच्चा है, यानी अभी ये बहुत छोटा है, साढ़े सात महीने का है, और ये लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। पाकिस्तानी नस्ल का है तो सोनपुर मेले में ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देखिए इसका मुंह देखिए आप, लंबा मुंह है, काला रंग है, और सामने ये जो सफेद कुछ कुछ रंग है, तो आगे के पैर है वो सफेद कलर के है। अभी थोड़ा खामोश है, शांत है, जैसे पाकिस्तान आजकल खामोश है, शांत है, तो अभी ये कुत्ता भी वही रूप अपनाए हुए है। इस कुत्ते के बारे में और जानकारी लेते हैं जो इनके मालिक है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद लटन। ये कुत्ता क्या खासियत क्या है, ये पाकिस्तानी नस्ल का ये जो कुत्ता है? वैरायटी है, हर तरह का, हर साल आता है, वैरायटी है। पालने के लिए लोग ले जाते हैं इसको। क्या रेट क्या रखा है आपने? 30,000। 30,000 है। अच्छा, इसका जैसे कई कुत्ते लोग घर में रखते हैं पालतू जानवर के तौर पर, इसका क्या उपयोग है? ये जैसे ये गार्डिंग करने के लिए, ये सब गार्डन में रहता है, सब कुत्ता घर वाला कुत्ता नहीं है? नहीं, बाग बगीचे में ऐसे होता है सब में। अच्छा, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? ये लंबाई चौड़ाई इसका कम से कम 4 फीट, 3 फीट होता है। अच्छा, तो ये क्या काटता भी है? मतलब काटता नहीं है, वो औसा बनाना पड़ता है काटने के लिए, यही करने के लिए, वो औसा नहीं है, काटने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी नस्ल का है, लोगों को ज्यादा अट्रैक्शन होता होगा क्योंकि पाकिस्तानी ब्रीड का कुत्ता है। हाँ, पूछते तो है लोग। हाँ। आता है वैरायटी हर साल, नया नया वैरायटी आता है, अमेरिकन बुल्ली आता है, हर वैरायटी आता है। तो देखिए पास जर्मन शेफर्ड हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, जर्मनी है वो। जर्मन शेफर्ड तो हमें हर घर में देखने को मिलता है, लेकिन ये पाकिस्तानी ब्रीड वाला कुत्ता आपको सोनपुर मेले में देखने को मिलेगा। ये बहुत खास बात है। देखिए यहाँ पर ये मालिक इसको कह रहे हैं, देखिए देखिए खड़ा हो गया, मालिक के एक इशारे पर ये कुत्ता तुरंत खड़ा हो गया, और काफी लंबा चौड़ा कुत्ता है, अभी थोड़ा सा बीमार लग रहा है। साढ़े सात महीने का बच्चा है अभी, ये छोटा है। सही है ये? अच्छा, साढ़े सात महीने का बस है ये जी। ये बहुत लंबा होता है ये। अच्छा। हाँ, घोड़ा के साइज का होता है ये। घोड़े जैसा कुत्ता है? घोड़े का साइज का होता है जी। ये कुत्ता नहीं, अभी ये कुत्ते का सिर्फ बच्चा है, और साढ़े सात महीने का है, पाकिस्तानी ब्रीड का ये कुत्ता है, यानी अगर ये पूरा बड़ा हो जाएगा तो किसी घोड़े जैसा दिखेगा। सोनपुर मेले में ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज है जो हमें देखने को मिली है। तो अभी लग रहा है कि ये सुस्ताना चाह रहा है, आराम करना चाह रहा है, और बड़े प्यार से देख रहा है, देखिए। लेकिन ये घर में आप इसको नहीं पाल कर रख सकते हैं। खाता क्या क्या खिलाते इसको? इसको दूध रोटी पेटिगिरी सब खाता है। हमें लगा पाकिस्तानी ब्रीड का है तो कुछ और तो नहीं खाता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कहाँ से लाते हैं आप इनको? पंजाब से आता है सर। पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पंजाब से लगता है, तो वहाँ पर उसके नस्ल, पाकिस्तानी नस्ल के कुत्ते यहाँ पहुँच जाते हैं। आते हैं हर जगह से। तो देखिए पाकिस्तान से ये कुत्ते भी आए, जर्मन शेफर्ड की आवाज आपने सुनाई। तो ये तमाम कुत्ते बहुत लोगों को अचरज दे रहे हैं, लोग दूर दूर से देखने के लिए कुत्तों को आ रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तानी ब्रीड का एक कुत्ता आपने देखा कभी? अभी सोचा था कि सोनपुर मेले में पाकिस्तानी ब्रीड कुत्ता दिखने को मिलेगा? नहीं देखा। तो आप लोग इसको देखने के लिए आए हैं जी? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब पाकिस्तान से जुड़ा कुत्ता है, ये सोच के कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा होगा। ये पाकिस्तान का तो नहीं लग रहा है, ये जंगल का लग, पाकिस्तानी ब्रीड का है, जंगली है, जंगली जंगली कुत्ता लग रहा है। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह।
आपको अच्छा लग रहा है कुत्ता? हाँ, लेकिन बिना खाए वो लग रहा है क्या मरे जा रहा है, कमजोर लग रहा है, थोड़ा बीमार सा है। पाकिस्तान से आया है इसलिए आप इसको कमजोर तो नहीं बोल रही है? पाकिस्तान का बात है लेकिन ये है ही कमजोर, देख रहे इसे लग रहा है कि मरा हुआ डॉगी है ये। देखिए अभी कुत्ता थोड़ा बीमार है, लग रहा है कि उसकी सेहत थोड़ी गड़बड़ है और इसीलिए है। मरा हुआ डॉग नहीं, ओसी पतले दुबले होता है, वो कितना खिला दीजिए पिला दीजिए ओसी रहेगा शरीर। आपको बेचना है इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं, वैसा नहीं है कि वो इतना पतला तो नहीं होता। पूछ लीजिए आप। अरे गूगल बाबा से क्या पूछे, लेकिन इतना पतला तो वो नहीं हो सकता है। पाकिस्तानी कुत्ते के नाम पर लड़ाई हो रही है। नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करना है मुझे। देखिए ये इनके मालिक है, ये इनके मालिक है और ये खरीदार है, तो पाकिस्तानी कुत्ते के बारे में इतनी बहस क्यों? जरा बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? आपकी कुत्ता दिखता ही है सर, पियो भाई। अच्छा ये वाला है, पियो भाई से मैम आप। तो देखिए ये कुत्ता है जिसको देखने के लिए, अभी देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, आप नजर डालिए तो काफी लोग आते हैं देखने के लिए, और सबको जब पता लग जाता है कि ये पाकिस्तान से आया कुत्ता है तो लोगों में ज्यादा उत्सुकता आती है। एक्साइटेड हो रहे हैं आप लोग देख के? जी हाँ। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। पाकिस्तान से आया है ये सोच के ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसे डॉग लवर है आप? बहुत। अच्छा, तो कुल मिलाकर देखिए लोगों का मिला जुला यहाँ पर रिएक्शन सामने आ रहा है। ये भाई साहब बकायदा उसको पाकिस्तान कहकर बुला रहे हैं। तो देखिए ये इनके मालिक है जो उसको गाइड कर रहे हैं, वो उसकी पूरी बात मान रहा है, तो बात सारी समझता है, मान लेता है बात ना, मान लेता है बात। तो काफी अच्छा डॉग है वैसे तो, ये देखिए काफी पूंछ हिला रहा है और अपने मालिक की हर कमांड को समझता है, मानता है, ये एक अच्छी बात है। काफी फेमस ब्रीड है ये, देखिए काफी बड़ा होता है ये कुत्ता। अभी आपको ये छोटा दिख रहा होगा लेकिन ये काफी बड़ा लंबा चौड़ा कुत्ता होता है। अभी ये मात्र बच्चा, देखिए कैसे उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी काफी अच्छे से यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है। 7 महीने का सिर्फ है ये, और 7 महीने में भी ये इतना बड़ा, ऐसा लग रहा है कि ये 3-4 साल का कुत्ता होगा। तो फिलहाल कुत्ता बाजार की इस खास खबर के साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।